राधे श्याम जय श्यामा श्याम राधे श्याम जय श्यामा श्याम श्री युगल सरकार की जय श्री मिथिला अवध विहारिणी बिहारी जी की जय श्री मिथिला अवध धाम की जय श्री मिथिला अवध संबंध की जय श्री मिथिला अवध स्नेह की जय श्री मिथिला अवध रस की जय श्री मिथिला अवध रस रसिक जन की जय श्री हनुमंत लाल की जय श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय भजो दशरथ नंदन जनक लनि जो दशरथ नंदन जनक लनि राजा दशरथ घर राम जी भए राजा जनक घर लाडली पली हरि दशरथ नंदन जनक लनि आगे आगे विश्वामित्र महामुनि आगे आगे राम लक्ष्मण अतुल बलि हरि हरि पाछे राम लक्ष्मण अतुल बलि भजो दशरथ नंदन जनक लनि बंधु जनकपुर आए बंधु जनकपुर आए सुमन बिछाए सखी गली गली हरि हरि सुमन बिछाए सखी गली गली दशरथ नंदन जनक लनि तोड़े धनुष भूप सब हारे तोड़े धनुष धनुष भूप सब हारे धनुष सब हारे सब हारे राजा जनक की बन गई बात भली हरि हरि राजा जनक की बन गई बात हरि हरि राजा जनक की सुकृत बेली फली हरि हरि राजा जनक की सुकृत बेली फली दशरथ नंदन जनक लनि Thank you.
श्री विमल सरकार की जय। द्वीप द्वीप से लोक लोकांतर से पधारे हुए उद्भट उद्भट वीर अलग अलग प्रयास करके भी, संयुक्त प्रयास करके भी, भूप सहस एक ही बारा लगे उठावन तेरे नटारा। अब एक ही वारा का कुछ लोग अर्थ करते हैं एक दिन में 10,000 राजा लोग बारी बारी उठा करके हार गए, नहीं उठा। कुछ लोग कहते हैं कि अलग अलग प्रयास से जब नहीं उठा सके तो एक साथ एक बार मने एक ही साथ 10,000 राजा मिलके उठाने लगे। तो कहते हैं कि क्या ऐसा करने से उन्हें रोका नहीं गया? बोले वो लोग इतने आवेग में थे कि एक साथ झपट पड़े, वाली 10,000 राजा मिलके अगर उठा ले और तोड़ दे तो श्री सीता जी किनको मिलेंगी? ऐसा कोई उल्लेख गोस्वामी जी की कलम से तो है नहीं कि सीता जी किनको मिलेंगी। अब कई कई प्रकार के अर्थ करते हैं। हमको उस अर्थ संबंधी मत मतांतर की ओर नहीं जाना है। इसके लिए काशी नगरी है, बड़े बड़े धुरंधर धुरंधर समाधान करता विराजमान है, हमें उनसे ही समाधान लेना अच्छा रहेगा। जितना समय लगा हो, कोई कहते हैं कि एक दिन में बारी बारी 10,000 राजा लगे हो तो भी 10-10 मिनट भी अगर समय, 5-5 मिनट भी, 2-2 मिनट भी समय अगर लगाया हो एक एक राजा ने तो भाई एक दिन में सूर्योदय से सूर्यास्त तक उतना समय तो मिलेगा नहीं जो सब लोग इस तरह से अपना जोर आजमा सके। और 10,000 राजा एक साथ मिलकर के उठाने का प्रयास करें तो 10,000 राजाओं का हाथ उस पर कैसे पहुंच पाया, कैसे 10,000 राजाओं के 20,000 हाथ, दो दो हाथ लगाए होंगे ना, तो कैसे? तो कोई कोई कहते हैं कि धनुष बढ़ता घटता भी था और एक दिन में इतने लोगों को इतना समय कैसे मिला, तो इसके लिए भी समाधान दिया जा सकता है। जब प्रभु की लीला में जन्म के समय में मास दिवस कर दिवस भा, तो उस दिन श्री किशोरी जी की कृपा से, श्री राम जी की कृपा से अगर सूर्य नारायण ज्यादा देर तक ठिठक गए हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। तात्पर्य ये कि सभी द्वीप द्वीपांतर के और लोक लोकांतर के राजा महाराजा उद्भट उद्भट वीर लोग जोर आजमा करके हार गए, धनुष नहीं टूटा। श्री जनक बाबा ने सबको फटकारा, सब अपनी अपनी मूछ नीची कर लो, आज से कोई मूछ ऊपर करके मत चलना, मैं समझ गया पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रहा। श्री लक्ष्मण जी ने इसका उत्तर दिया, बोले कि ये धनुष क्या चीज है, सचमुच में जो ब्रह्मांड धारण करते हैं, ब्रह्मांड भुवन विराज जाके एक सिर जिम रज कनी, तो उनके लिए ये धनुष क्या चीज था। लेकिन इन्होंने कहा कि चूंकि धनुष के साथ माता जानकी जुड़ी हुई है, जगत जननी जुड़ी हुई है, तो धनुष तोड़ करके जनक जगत जननी मेरे पल्ले पड़े ये ढिठाई मैं नहीं कर सकता, नहीं तो धनुष क्या है।
ब्रह्मांड उठा सकता हूं, जो राउर अनुशासन पाऊ तो कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं। इस वाक्य को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, जीवनार के समय में सखियां इनके ब्रह्मांड उठाने वाले दावा की खबर लेंगी। हाँ, मिथिलानिया ऐसी ऐसी बातों को बहुत सजो सजो करके रखा करती है। रघुनंदन ने लक्ष्मण जी को वापस बुला लिया, भैया विराजो, गुरु जी जब तक कुछ आदेश नहीं दे तब तक हम दोनों में से किसी को कुछ भी अपने से निर्णय नहीं लेना है। लक्ष्मण जी आकर अपने स्थान पर विराजमान हो गए। तब श्री विश्वामित्र जी ने रघुनंदन को आज्ञा की, उठो राम भंजो भव चापा। और कब आज्ञा की, बोले विश्वामित्र समय शुभ जानी। श्री विश्वामित्र जी को समय का ज्ञान है, बढ़िया समय इस समय है, इस समय रघुनंदन उठेंगे, धनुष उठाएंगे तो सभी लोगों की दृष्टि बड़े शांतिपूर्ण ढंग से इनको देख करके और इनका आकलन करेगी कि अब तक दुनिया भर के जितने जितने वीर आए, अलग अलग प्रयास से भी, संयुक्त प्रयास से भी, जिस धनुष को उठाना चढ़ाना तोड़ना तो दूर, तिल भर हिला तक नहीं सके, और उस धनुष को रघुनंदन कैसे तोड़ रहे हैं, ये दिखाना था विश्वामित्र जी को, मेरे रघुनंदन क्या है, कैसे है। रघुनंदन उठे, सहज ही उठे, और चले भी तो सहज ही चले, जिससे कोई ये इन पर लांछन न धरे कि इन्हें भी दुल्हन पाने की उतावली है, लालच है, ये निष्प्रिय है, ये साबित हो गया। धनुष के समीप जब पहुंचे हैं तो उस समय माता सुनैना घबरा करके, सीता मात स्नेह बस वचन कहे दिल खाए, बहुत बिलख के कह रही है, बहुत तड़प के कह रही है, अरे सखी ये क्या हो रहा है, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा। कैलाश और सुमेरु पर्वत को उठाने वाले जिसे हिला नहीं सके, और सो धन राज कुंवर कर दे ही, ये कोमल कोमल बालक के हाथ में वो धनुष दिया जा रहा है, कैसा लगता है, बोले बाल मराल की मंदर ले ही। प्रौढ़ हंस भी बड़ा कोमल होता है, और हंस का नन्हा सा छोना वो मंदराचल पर्वत को और मेरु पर्वत को अपनी पीठ पर, अपनी हथेली पर कैसे ले सकता है, मतलब कि धनुष की कठोरता, गरुआपन और विशालता के आगे, धनुष अगर मेरु और मंदर है तो रघुनंदन बाल मराल है, इनके ऊपर यह बोझ लादना उचित नहीं हो रहा है। कैसे विश्वामित्र जी ने साहस किया, जो नन्हे से बालक को ललकार दिया कि चलो धनुष तोड़ो। कैसी मति भोरी भई आज मुनिराज की, जो कोमल किशोर कर धनुष गहावई, जाने मान मारे बाणासुर और रावण के भी, बाहुबल मेरु और कैलाश जो उठावे, ऐसो हट ठीक नाही ज्ञानिन शिरोमणि को, ऐसो कौन हेतु जाय मुनि को समझावे, कि पंडित समाज आज अनुचित होत बड़ो, मंदर विशाल हंस सावक पे ढावे। तो श्री सुनैना मैया को उनकी एक सहेली ने
और ये सहेली कौन है? श्री हरे नमः, श्री जनक जी की प्रोहतानी मैया। श्री हरे नमः कहती है कि सुनिए महारानी, आप परम सयानी, मेरी बानी है प्रमानी, मत शंका मन आनिए, तेजवंत संत भगवंत शशि सूरज अग्नि। ये तेजवानों की सूची है, तेजवंत संत भगवंत शशि सूरज अग्नि, देखन में छोटे किंतु लघु जन मानिए, सिंधु सोखे कुंभज। अगस्त जी कितने बड़े हैं लेकिन उन्होंने समुद्र को सोख लिया आचमन में। सिंधु सोखे कुंभज और कुसुमायुध कामदेव, फूल का बाण लेकर के। सिंधु सोखे कुंभज कुसुमायुध, बस कीन्हो जग क्यों ही नारायण प्रभु की रति बखानिए, ताड़ का सुबाहु मारी, जो ताड़ का सुबाहु मारी, आए ऋषि नारी तारी, कौशिक के प्रभाव धनुष तोड़े तब जानिए। अवश्य तोड़ेंगे, इसलिए आप संदेह न करें। तो सखी वचन सुनी भई प्रतीति, अपनी उस सहेली के वचन को सुनकर माता सुनैना को तो तसल्ली हो गई। अब सियाजी घबरा रही है, विधि के भांति धरऊं धीरा, विधि के भांति धरऊं धीरा, सिर से सुमन कन बेधिए हीरा, सिरस का फूल बड़ा सुकोमल होता है, उसके रेशे बहुत पतले होते हैं। एक सिरस के सुमन के रेशे की नोक से हीरा जैसा कठोर पदार्थ छेदने का प्रयास हो रहा है। रघुनंदन सिरस सुमन के रेशे से भी अधिक सुकुमार है और धनुष वज्र से भी अधिक कठोर है। ये प्रयास इनसे कराना उचित नहीं लगता है। बेध्यो चाहती हीरा मृदु सिरस सुमन रेशे, हाय बर बस विधि बैरी, मेरो धीरज उर छी नारी, दारुण हठ ठान कीनो पिता ने कठोर प्रण, लाभ हानि और नहीं नेक ध्यान दीना, नारायण करुणा निधान सांवरे सुजान, नैन मन प्राण जिनने बर बस हर ली नारी, कैसे धनुष तोरे कठोर घोर शंकर को, कुसुम कर तोरत अजी कुसुम कर तोरत, जिन्हें होत है पसीनारी। फुलवारी जैसे स्थान में शारदीय पूर्णिमा के प्रभात में एक दोना फूल तोड़ने में जो पसीने पसीने हो रहे थे, वो धनुष कैसे तोड़ सकेंगे। लेकिन अब करूं तो क्या करूं, मैं बोल भी तो नहीं सकती, कैसी करूं सकल सभा की मति भोरी भई, कासो कहूं बेदन हृदय की बिकलाई के, गिरजा और गणेश जो मनाए और प्रतिफल में पाए आशीर्वचन गिरजा माई के। अब धनुष से प्रार्थना कर रही हैं, जैसे फुलवारी में मलिनिया फूलों से प्रार्थना कर रही थी, अरे सुमन तेरी पाखड़ी कहीं लालन को गड़ी जन जाए,
ऐसे श्री सिया जी अब धनुष से समझा रही हैं। अब तो दिखा दे भैया कछुक तो सहानुभूति, करके अनुमान प्रभु की अंगन मृदुताई के, धनुष हो जा हल्के, धनुष हो जा हल्के, जाते सहज ही उठा ले प्रभु, आवे कहूं मोचना कलाई रघुराई के। एक और बात धनुष से बड़ी प्यारी प्यारी कह रही है श्री सियाजू, अरे धनुष तुमने जिंदगी भर हत्या छोड़ करके और कुछ काम तो किया नहीं होगा, धनुष से हत्या छोड़ के और क्या होगा, तो अब तक तुमने जितनी जितनी हत्याएं करी होंगी, चाहे तुमने ब्रह्मा जी का पांचवा सिर काटा हो, ऐसा भी वर्णन आता है कि शंकर भगवान ने पहले ब्रह्मा जी के पांच मस्तक थे, तो पांचवा एक मस्तक काट करके बद्री नारायण जी के पास ब्रह्म कपाली पर प्रतिष्ठित किया है, तो चाहे उस हत्या के दोष से अथवा श्री शंकर भगवान के चेले हैं परशुराम जी, वो भी तेरे ऊपर फूल उल चढ़ाते होंगे, उन्होंने भी बहुत हत्याएं करी हैं, और तो और अपनी माँ और अपनी अपने भाइयों तक की हत्या कर डाली थी, तो हो सकता है कि उनके कर के स्पर्श से तेरे ऊपर कुछ पाप वगैरह चढ़ गया हो, तो पापों का प्रायश्चित करने का इससे बढ़िया और दूसरा कोई अवसर तुमको मिलेगा नहीं, अपने पापों का पुरस्चरण कर ले भैया। तो ये हनुमान नाटक का श्लोक है, श्री हनुमान जी का भाव है। तद ब्रह्म मातृवध पातक मन मथारी क्षत्रांतकारी कर संगम पाप भित्या ऐशं धनुर निज पुरश्चरणाय नूनम देहं मुमोच रघुनंदन पाणि तीर्थे। लोग काशी में शरीर छोड़ने आते हैं, क्यों? काशी में शरीर छोड़ेंगे तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। कौन कौन चीज से मुक्ति हो जाएगी? जिंदगी भर के पापों से मुक्ति हो जाएगी, 84 लाख योनियों में जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति हो जाएगी। तो आज श्री सियाजी धनुष को प्रेरणा दे रही है कि तू भी अगर मुक्ति चाहता हो सब झंझट से, अरे शिव पिनाक तैने हत्या बहुत करी होगी, याही ते भयो है भारो पाप बोझ पाग के, संभव नहीं है अन्यत्र तेरो प्रायश्चित, चाहे कहूं जावे लोक लोकन विभाग के। अवसर है अनुपम आज कर ले पुरश्चरण, विनय करूं तो से प्रभु के चरणन में लाग के, मोको मिल जावे प्रभु तेरे शरीर छोड़ने से अर्थात तेरे खंड खंड होने से, मोको मिल जावे प्रभु और तोकु मिल जावे मुक्ति, प्रभु के कर तीर्थ में जीर्ण तन त्याग के। अपने जरा जीर्ण जर्जर कलेवर का परित्याग करके आज क्यों नहीं तू प्रभु के कर तीर्थ में अपने शरीर को त्याग दे। इधर प्रभु ने देखा, प्रभु ने देखा कि श्री सियाजी व्याकुल हो रही है। अब सियाजी की व्याकुलता नहीं सही गई, ए हां सियही बिलोक तक उधनु के से, ए हां सियही बिलोक तक उधनु के
धर्म चितव गरुड़ लघु व्याल ही गए से रघुनंदन ने धनुष की ओर पहले सियाजी की ओर देखा, इसके बाद धनुष की ओर देखा। कैसे देखा? बोले चितव गरुड़ लघु व्याल ही जैसे, बड़े बड़े नाग भी गरुड़ जी से डरते हैं क्योंकि गरुड़ जी पकड़ करके उनको अपना बाल भोग कर लेते हैं। तो बड़े बड़े नाग भी इनसे डरते हैं और वो गरुड़ जी एक मामूली छोटे से सपेला को, एक नन्हे से सर्प के बच्चे को क्या गिनती में रखेंगे उपेक्षा की दृष्टि से। ये क्या है मेरे सामने? ऐसे रघुनंदन ने धनुष की ओर देखा। लक्ष्मण जी समझ गए कि अब धनुष टिकने वाला नहीं है, तो धनुष टूटने वाला है इधर, और सब देख रहे हैं रघुनंदन की ओर। रघुनंदन की उस समय बड़ी अनुपम झांकी है और देखने वालों की दृष्टि अलग अलग, भावना अलग अलग। जो प्रतिकूल भाव वाले राजा लोग थे, जो चाहते थे कि हमारी एक फूटी तो हमारे पड़ोसी की दोनों फूट जाए, अर्थात हमसे धनुष नहीं टूटा तो किसी से न टूटे, तो इससे तुम्हें क्या लाभ होगा। अरे कहा कि धनुष स्वयंवर से अगर बेटी ब्याही नहीं गई तो बेटी कुमारी रखी जाएगी, थोड़े हो सकता है जयमाल स्वयंवर करा दिया जाए कि बेटी अब तू जिसको चाहे जयमाला पहरा करके स्वयंवर से अपने पति को चुन ले। शायद, हालांकि ऐसी कोई घोषणा नहीं है, लेकिन अभी बैठे हुए हैं वे राजा लोग आशा में। यद्यपि श्री जनक बाबा कह चुके हैं क्यों बैठे हो अब ना मर्दो, अब बैठे क्यों हो, तजहवास निज निज गृह जाऊ लिखान विधि वैदेही बाबू, लौट जाओ अपने अपने घरों को, अब क्यों आशा लगाए बैठे हो। इतने पर भी एक नहीं गए, अभी तक बैठे। तो वे लोग चाहते थे कि जैसे हमसे नहीं टूटा ऐसे किसी से नहीं टूटे, और उसे तो टूटा नहीं, अब तो राम ही लक्ष्मण रह गए हैं, बोले इनसे भी न टूटे। लेकिन एक ऐसी ज्योति चमकी रघुनंदन के मुखमंडल पर, ओह, श्री अवध के राज ज्योतिषी पंडित श्री रामनाथ शर्मा जी का इस प्रसंग का एक बड़ा ही भावपूर्ण कवित्व है। वीरता की ज्योतिषी विलोक प्रभु आनन पे, ही अरे नृपालन के धड़की धड़की उठे। राजाओं के कलेजे धड़कने लग गए कि अब तो धनुष टूटा, अब सीता गई हाथ से। वीरता की ज्योतिषी विलोक प्रभु आनन पे, हीरे नृपालन के धड़की धड़की उठे। नारिन बिचारिन के कंचुकी किनारिन के, खुशी के मारे चारिहु बंध आपु हिते, तड़की तड़की उठे छरक छरक उठे सुजन सने ही सबे, और राम भुज दंड दो थरक थरक उठे। दरक दरक उठे चाप अंग संकित हुए, उधर मंजुल सिया के नैन फरक फरक उठे। श्री जुगल सरकार की ए हाँ, तेहि छन राम मति धनु थोरा, ए हाँ तेहि छन राम मति धनु थोरा, रम भरे भुवन धुनि भोर कठोरा, रघुनंदन ने
वैसे बीच की और हुई बातें। गुरु भी प्रणाम मने मन कीन्हा, अति लाघव उठाए धन मीन्हा, दम के उदामिन जिन जब लेऊ, पुन नव धन मंडल सम भयऊ। कितने लाघव से रघुनंदन ने उठाया चढ़ाया और तोड़ा, बोले ए हा लेत चढ़ावत खींचत गाड़े, काउन लखा देख सब ठाड़े, काउन लखा देख सब ठाड़े, हे हाथ ही छन राम मत धन ओड़ाए, भरे भुवन धुन घोर कठोर, कब लिया कब चढ़ाया कब खेचा और कब तोड़ के धरती पर डाल दिया, सब ताक रहे हैं, सबकी आंखें खुली हैं, लेकिन कोई नहीं देख सका कि कब। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। शिव का पिनाक यह उठाया कभी जानकी ने, 5 वर्ष की अवस्था में जानकी ने एक हाथ से, वो भी बाएं हाथ से अनायास खेल खेल में उठा करके जिस धनुष के नीचे की भूमि का मार्जन शोधन लेपन किया, जो धनुष आड़ा रखा हुआ था उसको सीधा रख दिया, जिस धनुष को पंचवर्षीय वैदेही ने उठाया है उसी धनुष को। शिव का पिनाक यह उठाया कभी जानकी ने, राज के समाज आज जो इसे उठाएगा, बाणासुर और रावण के भी मान को झुकाया जिसने, खेच के प्रत्यंचा आज जो उसे झुकाएगा, भुजबल के जोर जो चढ़ाए चट तोड़े भट्ट, त्रिभुवन विजय की कलित की रति कमाएगा, नारायण मिथिला प्रणपति, नारायण मिथिला पति प्रण के अनुरूप वीर, जानकी समेत जयमाल वही पाएगा। रावण बाण महाभट भारे, देख सरासन गवही सिधारे, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जय तोरा, तो त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरई हटते ही। इतना सुनते ही ए सुन प्रण सकल भूप अभिलाके, रम भट मानी अतिशय मन माके, परिकर बांधि उठे अकुलाइए, परिकर बांधि उठे अकुलाइए, रम चले इष्ट देवन सिर नाई, प्रतिज्ञा की घोषणा होते ही होड़ लग गई। ये नहीं कि बारी बारी, लगता था कि सब एक साथ ही धनुष पर झपट पड़ेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हमसे पहले कोई तोड़ दे और वही जानकी और जयमाल को पाले, हम वंचित रह जाएं। इसलिए अकुला अकुला करके उठ रहे हैं, इससे इनकी धीरता गंभीरता में फर्क
सिद्ध हो रहा है। ये लोभी लालची लोग हैं और इन लोगों से धनुष उठाना चढ़ाना तोड़ना तो दूर, आगे चलकर श्री जनक जी को कहना पड़ा, रहा चढ़ाऊ तोड़म भाई को तिल भर भूमि न सके छुड़ाई। जनक जी दुखी होकर के और कहने लग गए कि अगर मुझे पता होता कि अब पृथ्वी पर वीर नहीं रह गए तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा क्यों करता। हमारी जानकी के माई भुजा के बराबर भी ताकत इनमें किसी में नहीं है। जो जन त्यू बिन भट भूबि भाई तो प्रण करी हो त्यू न हसाई। अब जन को माखे भट मानी वीर बीन मही में जानी। हे देश देश के राजाओ, हे देश देश के राजाओ, हम किसे कहें बलशाली है। हमको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। पृथ्वी वीरों से खाली हो गई और सब बेचारे चुप बैठे हैं। कैसे बैठे हैं? गोस्वामी जी ने ऐसी ऐसी अद्भुत अद्भुत उपमाएं दी हैं। गीतावली में कहते हैं कि सुने परे शून्य से मिटाए मनो आंख के। एक के बाद अगर शून्य दीजिएगा तो क्या होगा? दस। एक और शून्य दीजिएगा तो क्या होगा? सौ। एक और शून्य दीजिएगा तो क्या होगा? हजार। शून्य मैंने बेकार नहीं, दस गुना महत्व तो बढ़ता जा रहा है प्रत्येक शून्य के बढ़ोतरी के साथ साथ। लेकिन किसको लेकर के? उन समस्त शून्यों के पहले एक की इकाई है। इसलिए ऐसे ऐसे दस नहीं हजार और लाख करोड़ शून्य रख दीजिए और शुरू का एक जो अंक है इकाई उसको मिटा दीजिए, तो उसको हटा लीजिए तो क्या बचा? शून्य। ऐसे सभी राजा लोग अंक के मिटा देने पर शून्यों की जैसी निरर्थक स्थिति हो जाती है, ऐसे ही सब राजा लोग हो रहे हैं। और कैसे हो रहे हैं? बोले टकटोर कपिजो नारियर। भूखे बंदर को नारियल के वृक्ष पर नारियल का फल दिखाई पड़ा, कहा कि बड़ा 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 फल है, एक भी फल हाथ पड़ जाए तो तृप्त हो जाऊंगा। जोर लगा के चढ़ तो गया लेकिन वो नारियल का फल टूटा नहीं, डंठल बड़ा मजबूत होता है। कदाचित एक डंठल से फल को तोड़कर किसी छत पर भी बैठ करके चाहे कि उस डंठल को अमनिया करके, उस नारियल को तोड़कर फोड़ करके और हम उसके भीतर का गड़ी गोला और उसका पानी पी लें खा लें, तो नारियल का छिलका इतना कठोर होता है, इतना कठोर होता है कि बंदर के दो ही हथियार हैं, नाखून अथवा दांत। तो बंदर के न नाखून उसे तोड़ सके और न दांत उस छिलके को हटा सके, और ऊपर वाला रेशा वाला अगर छिलका हटा भी दे तो भीतर की जो कटोरे पर कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा, जो पैकिंग नारियल में डबल पैकिंग होती है तो वो दूसरे ढक्कन को तो किसी प्रकार से एक बंदर तोड़ ही नहीं सकता। केवल टकटोर टकटोर करके और जैसे बंदर निराश बैठ जाए, ऐसे ही धनुष उन बंदर सरीखे राजाओं के लिए कठोर छिलके वाला नारियल हो गया है। और ये लोग उदास निराश बानर की तरह बेचारे चुप बैठे हैं। श्री करह वाले बाबा हम लोगों को भी भूखा बंदर बताया करते हैं और हमारे वेद, संस्कृत भाषा वाले वेद, पुराण, स्मृति संहिता इत्यादि धर्म ग्रंथ जो हैं,
है तो उसमें हमारी बड़ी भारी आध्यात्मिक खुराक, लेकिन चूंकि हम संस्कृतज्ञ नहीं रह गए इसलिए हम लोगों के लिए हमारी लाइब्रेरी और हमारी अलमारी में भरे हुए वे संस्कृत आर्ष ग्रंथ नारियल का फल ही हो गया। हम बंदर साबित हो गए, उनको तोड़ करके उसके भीतर का जो सिद्धांत है, रस है, उसको हम लोग नहीं लाभान्वित, उससे नहीं लाभान्वित हो पा रहे हैं। किसी दयालु को दया आ जाए और कठोर हथियार से उसको तोड़कर फोड़ करके और गड़ी गोला निकाल करके हमारे सामने परोस दे, तब तो आनंद आ जाए। ये तोड़ फोड़ कर परोसने वाला काम किसने किया है? करह वाले बाबा कहते हैं कि संस्कृत भाषा नारियर फोरत में कठिनाय, गड़ी फोर तुलसी धरी, अब जो चाहे सो खाए। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। संस्कृत भाषा वाले हमारे आर्ष सदग्रंथ नारियल बन गए थे और हम लोग भूखे कमजोर बानर बन गए थे, वो तो बाबा तुलसी जैसे तुलसीदास सरीखे दयालु को दया आई और वेदों को और पुराणों को इन नारियलों को तोड़ करके फोड़ करके और तोड़ फोड़ करके ही नहीं और अच्छी तरह से वो क्या कहते हैं कद्दूकस जैसे खराद मशीन पर एकदम उसका बुरादा बना करके और प्रेम की मिठास में पाग पाग करके और गड़ी गोला वाली मिठाई बना करके हमारे सामने परोस दी। अब कहते हैं कि संस्कृत भाषा नारियल फोरत में कठिनाय, गड़ी फोर तुलसी धरी, अब जो चाहे सो खाए। हम लोग फोड़ी फोड़ाई गड़ी का आस्वादन कर रहे हैं, वो स्वामी तुलसीदास जी ने हम लोगों के ऊपर दया करी है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। महाराज जनक जी ने जब कह दिया कि मैं समझ गया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, किसी से कुछ भी बोलते नहीं बनता था, अंत में लक्ष्मण जी को खड़ा होना पड़ा। लक्ष्मण जी, जनक जी की बात सही नहीं गई, ये कैसे कह दिया कि पृथ्वी वीरों से खाली है, ये कैसे कह दिया कि वीर विहीन मही मैं जानी। वैसे गीतावली में गोस्वामी जी का काव्य है, गीतावली में लक्ष्मण जी ने एक बार समर्थन किया है कि जनक जी ठीक कह रहे हैं। शीर्षक पंक्ति है भूपति विदेह कही नीकी जो भई है। जैसी घटना आज घटी है जनक जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक अंश में तो मिथिलेश्वर की बात सत्य, शिव के धनुष ने चमत्कार जो दिखाया है, स्वयं तो न झुकाने को, स्वयं तो न झुकाने को तिलभर भी उठा नहीं, उठने वालों को भी झुकाए के बिठाया है, उठने वालों को भी झुकाए के बिठाया है। उत्तर देने लायक मुंह रखा नहीं किसी का भी, उत्तर देने लायक मुख रखा नहीं किसी का भी, सुन के सभी सह रहे, सन्नाटा घोर छाया है, किंतु कैसे चुप रह ले रघुनाथ का यह अनुज लखन, कैसे चुप रह ले रघुनाथ का यह अनुज लखन, सहना नहीं जानता क्योंकि रघुवंशी का जाया है, सहना नहीं जानता रघुवंशन का जाया है। फिर रघुनंदन से बोले साची कहूं नाथ आप बिलग्न माने नहीं को, कैसे सही जाती जैसी नृप ने कह डाली है, रघुकुलमणि रामचंद्र प्रभु को विद्यमान जान, जिनने ताड़का को मारा है, सुबाहु को जला के राख किया है, विश्वामित्र जी का यज्ञ संपन्न कर दिया है, अहल्या का उद्धार किया है, ये सारी बातों का जिनको पता चल चुका है, आप फिर भी
रघुवंशी नमाजा कोई होई तेई समाज अस कहे न कोई कही जनक जस अनुचित मानी और सो भी विद्यमान रघुकुलमणि जानी रघुकुलमणि रामचंद्र को विद्यमान जान करके रघुकुलमणि रामचंद्र प्रभु को विद्यमान जानी बाणी है असही जो कि जनक ने निकाली है। धनुष संग गनीमत है कि धनुष के साथ माता जानकी जुड़ी हुई है। धनुष संग जुड़ी माता जानकी न होती जिनने सांची प्रीति प्रभु के पद कमल में लगा ली है तो धनुष को उठाए दे तो अभी मैं दिखाए पृथ्वी नाथ से सनात है या वीरों से खाली है। जब लखनलाल जी ने यह गर्जना करी तो गुरु जी ने और राम जी ने धीरे से इशारे से कहा कि लक्ष्मण बैठो बड़ों के सामने इस तरह से ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। सैनहिं रघुपति लखन निवारे। लक्ष्मण जी के बैठने के बाद अब विश्वामित्र समय सुभ जानी बोले अति पुनीत मृदु बानी उठहु राम भंजहु भव चापा मेटहु तात जनक परितापा हे रामभद्र उठो और जनक जी के परिताप को दूर करो। क्यों आप चंद्र हो ना, चंद्र का काम ही है शरदा तप निश शशि अपहरई दिन भर के क्वार की प्रचंड सूरज की किरणों से बिखरा हुआ जो तापमान है उसको रात्रि में चंद्रमा दूर कर देता है अपनी शीतलता से। तो आप भी चंद्र हो रामभद्र रामचंद्र। औरन को ताप हरे गगन को उदित चंद्र किंतु रामचंद्र जनक के परिताप आप हरे। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कृपा की किरण डारी शोक तम को निवारी कीरत चंद्रिका को जगती में विस्तरिए जनक की किशोरी मुख चंद्र की चकोरी भोरी परिकर समेत आह्लाद उर्भरिये समय शुभ सुहावन मन भावन अति पावन अभी भवधन भंजी सबको कृतार्थ शीघ्र करिए। महर्षि विश्वामित्र के वचन सुन करके रघुनंदन उठे। कैसे उठे और मूढ़ राजाओं की तरह व्याकुलता पूर्वक नहीं उठे। और राजा लोग कैसे उठते थे, बोले तमक धरहिं धन मूढ़ नृप उठहिं न चलहिं लजाई मनहु पाइ भट बाहु बल अधिक अधिक गरुआ। लेकिन राम जी कैसे उठे, सुनि गुरु बचन चरण सिर नावा रामा हरस विषाद न कछु उर आवा रम हरस ठाढ़ भय उठि सहज सुभाए
चरण सिर नावा गुरुदेव के चरणों में होकर नमस्कार किए। हर्ष विषाद में कुछ और आवा, न हर्ष की रेखा न विषाद की रेखा, यह हर्ष विषाद से अतीत है। प्रसन्नता मानगता अभिषेकत तथा न ममले वनवास दुखत मुखाम मुज श्री रघुनंदन से सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। कैसे बोले जैसे हो समुंदर जी के सुखवा ना दुखवा, चाहे पनिया आवे चाहे जा, जैसे हो समुंदर जी के सुखवा ना दुखवा, चाहे पनिया आवे चाहे जा, दुनिया में भोगवा वैसे ही भोगे जे पुरुषवा, तो असली सुखवा वो करे बुझाए। दुनिया में भोगवा वैसे ही भोगे जे पुरुषवा, असली सुखवा वो करे बुझाए। अरे तलैया में तो हल्की वर्षा से भी इतना पानी हो जाता है, तलैया कहती है कहो तो गांव डुबा दूं। कहा कि हाँ इस समय तो गांव डुबाओगी, और दो महीना के बाद फसल सूख रही है थोड़ा पानी दे दो, तो कहती है कि अब तो मेरे कलेजे में दरार फट रही है। ऐसा तलैया की तरह नहीं है राम भद्र, समुद्र की तरह गंभीर है। जैसे हो समुद्र जी के सुखवा न दुखवा, चाहे पनिया आवे चाहे जाए, दुनिया में भोगवा वैसे ही भोगे जे पुरुषवा, तो असली सुखवा वो करे बुझा। समुद्र की तरह गंभीर रघुनंदन के हर्ष विषाद न कछ उर आवा। खड़े हुए तो कैसे खड़े हुए, ठाड़ भय उठ सहज सुभाए। याद रखिएगा सहज सुभाए को, सहज सुभाए को याद रखिएगा। हाँ, जयमाला के समय में श्री किशोरी जी खबर लेनी इनकी। ठाड़ भय उठ सहज सुभाए, कैसे बोले ठवन जुआ मृगराज ले जाए। जैसे सिंह बैठे से जब खड़ा होता है तो एक बार अंगड़ाई लेता है। ठाड़ भय उठ सहज सुभाए, ठवन जुआ मृगराज लगाए। सिंह में ठवनी रघुनंदन की है, सहज स्वभाव से उठ के खड़े हुए। और जब चले तो कैसे चले, बोले कि सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर कुंजर गामी, खड़े भी हुए तो ठाड़ भय उठ सहज सुहाए, चले भी तो सहज ही चले सकल जग स्वामी। इस पंक्ति को भी याद रखिएगा, शाम को काम आवेगी पंक्ति। ठवनी युवा मृगराज लगाए ले जाए, और चले भी तो कैसे बोले सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजर गामी। क्या शान चाल अलबेली, क्या शान चाल अलबेली, जो गजराज चले मस्ते मस्ते, जिन देखा इनका चित्र रत्न अनमोल बिके सस्ते सस्ते, रसरूप माधुरी बरस रही सखी जात चले रस्ते रस्ते, श्री राम लला सिय दुल्लह ने दिल छीन लिया हंसते हंसते। चाल इनकी देख करके लोग निहाल हो रहे हैं। जब श्री रघुनंदन चाप के समीप आए तो उस समय बहुत लोगों के हृदय में बहुत तरह के भाव उठ रहे हैं। जनक जी के हृदय में खलबली मच रही है, सुनैना मैया का हृदय तड़प उठा, श्री जानकी जी व्याकुल हो गई, और श्री जनक जी ने तो अपने सिंहासन से कूद करके और श्री विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए।
गीतावली में गोस्वामी जी ने लिखा है, श्री जनक जी ने दौड़ करके और श्री विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए, नाथ राम को लौटाइए, राम भद्र को लौटाइए। बोले क्यों, आपका मनोरथ सिद्ध होने जा रहा है, सबकी समस्या हल होने जा रही है, और अभी तो आप तड़प रहे थे कुंवरी कुमार रहु का करो, और अब जब कार्य सिद्ध होने जा रहा है तो अब आप राम को वहां जाने से रोकते क्यों है। तो कहते हैं कि मिथिलेश्वर हूं के ही ऐसो ही बड़ सोच कि रघुवर के कोमल करन आवे कहूं न मोच। यह सोच घुमड़त घनी ही में बड़ी अशांति कि रघुवर के मुख की कहूं फीकी परे न कांति। जैसे उस धनुष ने सबको कांतिहीन करके और सिर झुका करके बिठा दिया है, कहीं रघुनंदन के मुख की कांति फीकी न पड़ने पावे। बोले मुनिपद कमल गही, बोले मुनिपद कमल गही, नाथ बहोरी राम नतर और मैं खोई हूं, रहो सहो विश्राम। गीतावली में वो स्वामी जी लिखते हैं, श्री जनक जी कह रहे हैं, प्रण को न सोच, मेरे प्रण को न सोच, न विशेष चिंता सीता हूं की, सीता कुमारी रह जाए इसकी मुझे चिंता नहीं है, मेरा प्रण अधूरा रह जाए इसकी चिंता नहीं है, लेकिन रघुवर के मुख की कांति में कोई फर्क नहीं पड़ने पावे। ये वात्सल्य स्नेह बोल रहा है, मंद जन पड़े मुख चंद राम चंद जू को, परो कर्म फंद दुख द्वंद में ही सही हो, सोचना ही सीता को संकोच प्रण हो को नाही, जैसो दियो पूर्व में वही तो आज लही हो, हानि होए कितनी गलान जितनी भी होए, बात किंतु सौतुक चरण गई कही हो, फीकी जन परे अन्य भूपन की भांति कांति, नाही तो मुनीस हो कहूं को नाए रही, मैं कहीं का नहीं हूं। बेटी सीता के कुंवारी रह जाने का उतना शोक नहीं होगा जितना श्री राम भद्र के मुख पर धनुष नहीं टूटने से कहीं कांति फीकी पड़ी तो मैं जीवित रहने लायक नहीं रहूंगा। श्री राम जी के प्रति श्री विदेह राज का कितना अपार वात्सल्य है। सहित विदेह विलो कहीं रानी, शिशु सम प्रीति न जाती बखानी, जब जनक जी ने एक बार कहा था कि वीर विहीन मही में जानू, उस समय लक्ष्मण को बहुत दुख हुआ। लक्ष्मण ऐसी बात बोल गए जैसी गुरु जी के सामने और भैया के सामने जनक जी जैसे ज्ञानी शिरोमणि के प्रति बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन जब जनक जी ने क्यों कहा कि वीर विहीन मही में जानी, मेरे भैया के प्रति इनका कितना वात्सल्य है। अब इस भाव की जब अभिव्यक्ति हुई, लक्ष्मण जी को हृदय में कचोटने लगा कि हाय ऐसे वात्सल्य निधि श्री पितृतुल्य जनक जी के लिए मैंने क्यों इस तरह की बात कह दी, कही जनक जस अनुचित वाणी। मिथिलेश्वर के वचन सुनी लक्ष्मण के ही हुक, ऐसी दिव्य विभूति प्रति हो गई हमसे चूक, इनके दिव्य भाव समझे बिना कहे जे वचन कठोर, प्रभु के प्रेम प्रवाह पड़ी मोते हुए गई अतिशय खोर। मिथिलेश्वर वात्सल्य निधि
मिथिलेश्वर वात्सल्य निधि ही में अपार प्रभु प्यार, ऐसी निश्चल प्रीति पर अब रामानुज बलिहार, ऐसी निश्चल प्रीति पर रामानुज बलिहार। उतमे वेदे ही विकल बिनवत श्री भगवान, लज्जा प्रण की राखियो हे प्रभु कृपा निहान। समय भगवान कह रहे हैं कि धनुष इस समय नहीं, अब संध्या समय टूटेगा और संध्या समय पत्रिका भी जाएगी और 7 बजे से पहले पहले बारात आ जाएगी, क्योंकि 10:30 हो चुके हैं। अब आपके घर वाले ठाकुर जी आप लोगों को याद कर रहे होंगे, तो मिथिलेश्वर ने जब श्री विश्वामित्र जी से अनुनय विनय की है तो थोड़ा विश्वामित्र जी को भी ठिठकना पड़ेगा। और धनुष की ओर प्रभु को बढ़ते देखकर माँ सुनैना क्या चाह रही है, श्री किशोरी जी के हृदय में कैसे कैसे भाव उमड़ रहे हैं, औरों के हृदय में कैसे कैसे भाव आ रहे हैं, इसकी चर्चा करने के बाद तब धनुष टूटेगा। इस समय का सत्संग यही विश्राम ले रहा है। आगे की कथा सुनने के लिए आज 4:30 बजे पधारे। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम। श्री युगल सरकार की जय, श्री युगल नाम की जय, श्री युगल धाम की जय।